हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन शॉपिंग। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और वो प्रोडक्ट है ये है वीट का फुल बॉडी वैक्सिंग किट। ये एक वैक्सिंग स्ट्रिप है, तो आज मैं आपके साथ इसका छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगी और इसका डेमो भी दिखाऊंगी। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट की फुल बॉडी वैक्सिंग किट। फ्रेंड्स, वीट का आप तो जानते हो, वीट की एक हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है, पर काफी लोग वो क्रीम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उससे कई लोगों को इरिटेशन होती है और उनके दाने निकल जाते हैं क्योंकि उस क्रीम में कई सारे केमिकल, बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं। एंड उस क्रीम के बाद यूज करने के बाद आपको डार्कनेस की भी कुछ लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोग गाइज ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो पार्लर जा सके, या कुछ लोग की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, उन्हें हॉट वैक्सिंग जो पार्लर में होती है उससे उनकी स्किन को इरिटेशन होती है, उन्हें दाने निकल जाते हैं, रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए वैक्सिंग स्ट्रिप काफी काम की चीज है। ये वैक्स स्ट्रिप है, इसे आप आराम से घर बैठे अपने फुल बॉडी वैक्सिंग कर सकते हो, पर हाँ, ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। किसी को कोई इरिटेशन नहीं होगी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो जिन लोगों को हार्ड वैक्सीन से प्रॉब्लम होती है या जिनको क्रीम यूज करने से प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। तो आज मैं आपके साथ इसका स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, तभी तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड हाँ फ्रेंड, ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर भी करना। तो चलो, अब ये है वीट की फुल बॉडी वैक्सिंग की। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इजी गैलेक्सी टेक्नोलॉजी, इजियर टू रिमूव द शॉर्टेस्ट हेयर, यानी आपके जो छोटे से छोटे हेयर होते हैं उसे भी अच्छे से रिमूव कर देगा, इन्होंने ऐसा क्लेम किया। फिर ये वाली जो मैंने ली है, ये नॉर्मल स्किन वालों के लिए, आई थिंक इसमें दो तीन और वेरायटी में भी आती है, ड्राई स्किन वालों के लिए और सेंसिटिव स्किन वालों के, पर मैंने ये नॉर्मल स्किन वाली ली है। फिर इन्होंने इसमें मिलाया क्या हुआ, इन्होंने इसमें सिया बटर और एका बेरी फ्रेग्रेंस मिलाया हुआ। एका बेरी एक फ्रूट होता है जो काफी, मतलब उसमें काफी अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं। वैसे तो इस फ्रूट के बारे में मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानती, और इन्होंने इसमें बटर मिलाया हुआ है तो ये आपकी स्किन को एकदम चिकना बनाएगा, एकदम स्मूथ बनाएगा, आप जरा सा भी ड्राइनेस नहीं फील होगी। और इसमें आपको देख सकते हो 20 वैक्स स्ट्रिप मिल जाएगी और 4 परफेक्ट फिनिश वाइप मिल जाएगा, मतलब वैक्सिंग करने के बाद आपको वाइप भी मिल जाएगी। ये इसमें आपको 20 वैक्स स्ट्रिप मिल जाएगी, तो आराम से आपकी फुल बॉडी वैक्सिंग एक बार के लिए ये यूज हो सकती है, मतलब एक बार में आप पूरे 20 स्ट्रिप को यूज करके अपनी फुल बॉडी वैक्सिंग कर सकते हो। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हो ये ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, पिंक कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में। अगर आप और दूसरी वेरायटी पे जाओगे तो ये कार्डबोर्ड बॉक्स का कलर डिफरेंस हो जाएगा। फिर इस साइड इन्होंने बताया है कि इसे कैसे यूज करना है, तो वो तो मैं अभी आपको यूज करके दिखाऊंगी, साथ में बोल बोल के बताऊंगी भी, ताकि अगर आप ये वैक्स स्ट्रिप लो तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो कैसे इसे यूज करना है। इसके 4 स्टेप होते हैं यूज करने के, एक स्ट्रिप में आपको 2 स्ट्रिप चिपकी हुई मिलेगी, आपको दोनों को अलग करना है, अपनी बॉडी पे लगाना है और फिर पुल कर देना है उसे झटके में, उसके बाद आप जो इन्होंने वाइप दिया उसे अपनी बॉडी को वाइप कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगी। अगर इसकी MRP की बात की जाए तो ये 190 की है। अगर आप, आई थिंक ये ऑनलाइन स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी, आई थिंक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख सकते हो, ईयर 18 है एंड एक्सपायरी ईयर 21 है, तो 3 साल तक ये आराम से चल सकती है। फिर इस कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या क्या चीजें हैं ये इन्होंने बताया, तो आपको 20 रीयूजेबल वैक्स स्ट्रिप मिल जाएगी। रीयूजेबल इन्होंने यहाँ ऐसे लिखा है क्योंकि एक स्ट्रिप को आप तब तक यूज करोगे जब तक कि उसका जो ग्लू होता है ना वो खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक वो आपकी बॉडी पे स्टिक हो रही है, चिपक रही है, तब तक आप उसे यूज कर सकते हो, इसलिए इन्होंने ये रीयूजेबल लिखा है। फिर उस स्ट्रिप की इन्होंने साइज बताई है कितनी है। फिर आपको 4 परफेक्ट फिनिश वाइप मिल जाएंगे, वाइप मिलेंगे उसे, मतलब वाइप करने के लिए आपको एक लीफलेट मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या लिया है, क्या क्या कैसे यूज करना है, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। अगर बात करूँ कि इन्होंने क्या क्या क्लेम किया हुआ है, तो आप देख सकते हो फ्लो अराउंड एंड एक्टिविटी ग्रिप द शॉर्टेस्ट हेयर नॉट द स्किन 1.5 mm, अभी आपके जो छोटे से छोटे हेयर होते हैं उसे भी निकाल देगा, ऐसा इन्होंने क्लेम किया हुआ है। और रिमूव द हेयर फ्रॉम द रूट फॉर अप टू 28 डेज ऑफ स्मूथनेस, ये आपकी हेयर को ऐसा ही सही है कि 1 month तक आप आराम से, एक बार इसे अगर वैक्स कर लेते हो तो 1 month तक आप आराम से रह सकते हो, क्योंकि ये आपकी हेयर को जड़ से निकालता है, रूट से निकालता है, तो इतनी जल्दी आपकी हेयर की ग्रोथ नहीं होती है, तो 28 डे अराउंड 1 month तक आप आराम से रह सकते हो। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ टिप्स बताए फॉर बेस्ट रिजल्ट, तो सबसे पहले तो टिप्स यही है कि आपकी स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद आप थोड़ा सा टेल या पाउडर लगा सकते हो ताकि आपकी स्किन एकदम ड्राई रहे। क्या होता है कुछ स्वेटिंग होती है तो, मतलब पसीना निकला रहता है, स्वेटिंग रहती है, तो वो ये
जो स्ट्रिप है वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाती है, तो आपकी स्किन ड्राई रहे इसलिए आप थोड़ा सा पाउडर लगा सकते हो। उसके बाद आपको ये स्ट्रिप लगानी है और जिस डायरेक्शन में आपके बालों की ग्रोथ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे पुल करना है, ऐसा इन्होंने बताया है। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी भी। साइड भी इन्होंने अपनी कहानी लिखी है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये सब इन्होंने बताया। तो ये तो हो गई इसकी पैकिंग की बात। कारो पैकिंग अगर देखी जाए तो वैसे काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली और काफ़ी सही है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधे स्ट्रिप निकाल के भी इसे इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो पैकिंग तो काफ़ी सही है। अब मैं आप दिखाती हूँ इस कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली। मैं अभी तक इसे यूज़ नहीं की हूँ, आज मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ। ये मुझे 20 आप देख सकते हो, ये टोटल 20 स्ट्रिप है और यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे यूज करना है, क्या करना है, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में दिया है और अदर लैंग्वेज में भी इन्होंने दिया हुआ है। और ये फिनिश वाइप दिए हुए हैं इन्होंने, तो जितनी चीज़ें इन्होंने मैंशन की थी वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब मैं इसे आपको यूज करके दिखाती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मैम आपको अपने हैंड पे करके दिखाती हूँ, आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हो। पर हाँ एक बात मैं क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, इस स्ट्रिप का यूज आपको अपने फेस पे नहीं करना है, सिर्फ आपको बॉडी पे ही करना है। तो मैं आपको अपने हैंड पे लगा के दिखाऊंगी, तो आप क्लियरली देख सकते हो। बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है मेरे हेयर, पर मेरे हेयर की ग्रोथ है, आप देख सकते हो मेरे हैंड पे, यू कैन सी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थिक नहीं है, पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको हेयर दिख जाएगी। तो मैं आपको अपने हेयर पे लगा के दिखा दूँ। सबसे पहले मैं अपने हेयर पे थोड़ा सा टेल लगाऊंगी, पाउडर लगाऊंगी, ताकि मेरी स्किन ड्राई हो जाए, क्योंकि समर का सीजन है तो थोड़ी सी स्वेटिंग भी होती रहती है। तो मैं थोड़ा सा पाउडर लगा, अभी आपको ये एक स्ट्रिप दिख रही है पर एक स्ट्रिप नहीं है, ये दो स्ट्रिप है। ऐसे आप हल्का सा ऐसे कर लो तो ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे अलग करना है। सो यू कैन सी ये दो स्ट्रिप है। कैसे करना, इसे लगाना कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो आप इसके दोनों साइड शेप देख सकते हो, इधर आपको ऐसा शेप दिख रहा है और इधर ये हाफ सर्किल जैसा बना हुआ है। तो आपको इसी पार्ट को पकड़ के खींचना है। तो इसे आपको कैसे लगाना, आपके जिस डायरेक्शन में हेयर की ग्रोथ है, मैं अभी आपको अपने हैंड पे दिखाती हूँ। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मेरे हेयर की लेंथ इस साइड है, आप देख सकते हो नीचे की तरफ। तो ये वाला जो पार्ट है इसे आपको अपने हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही लगाना है। तो यू कैन सी मेरे हेयर की लेंथ नीचे की तरफ है इस साइड, तो मैं इसे ऐसे ही लगा रही हूँ। तो मेरे हेयर की लेंथ नीचे की डायरेक्शन में थी, तो मैंने इस वाले पार्ट को नीचे लगाया है। अब आपको इधर ही ऐसे हल्का सा प्रेस करते हुए इधर थोड़ा सा वो करना है, जिधर आपकी हेयर की ग्रोथ डायरेक्शन है। तो मैं इसे नीचे की तरफ ही हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। अब आपको इसे खींचना है, तो ये देखो अब इसे खींचना कैसे, पहले आपको इसे पकड़ना है। देखो इधर पकड़ा तो इधर आप कोई भी गम नहीं है, तो आप हैंड एकदम क्लीन है, आप इजीली इसे खींच सकते हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे पकड़ के डायरेक्ट ऊपर खींच देते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इसे पहले तो एक झटके में खींचना और इसे आपको ऐसे निकालना है कि आपकी स्किन से लगते हुए निकले। मतलब अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको इसे ऊपर की तरफ नहीं खींचना है, अपनी स्किन से लगाते हुए एक झटके में निकालना है। तो चलो मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। सो यू फिर अगेन आपको इसमें जितना भी ग्लू है उसे दोबारा यूज करना है। तो दोबारा मैं इसे फिर लगा देती हूँ। तो देखो मेरे हेयर लेंथ की डायरेक्शन नीचे है ग्रोथ की, तो मैं इसे नीचे की तरफ ही प्रेस कर रही हूँ। फिर मैं इसे यहाँ से पकड़ूंगी, जब तक आपको इसमें ग्लू है तब तक इसे यूज करना है। मेरा ग्लू मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे। ये देखो जो ब्लैक ब्लैक कलर के आपको रेसेस दिख रहे हैं ना, ये मेरे हेयर हैं। तो इसने मेरे हेयर को भी निकाल दिया। अभी मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रिप यूज की है, तो आप मेरा हैंड भी देख सकते हो, कहीं कहीं देखो ग्लू चिपका हुआ है, इसीलिए उन्होंने वाइप दिया हुआ है क्लीन करने के लिए। और देखो अभी मेरे हैंड में आपको हेयर एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। ये देखो वैक्स कर लिया। अब मैं आपको ये जो इन्होंने वाइप दिया इसी से वाइप करके भी दिखाती हूँ। क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा ग्लू आपके हैंड पे कहीं कहीं स्टिक हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रह जाता है, तो वो आपके हेयर पर चिपचिपा सकता है। तो मैं इसी से अभी आपको वाइप करके दिखाती हूँ। इन्होंने ये फोर प्रोवाइड किए हैं, तो फुल बॉडी अगर वैक्सिंग कर दो तो आप आराम से यूज कर सकते हो।
तो ये है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा आई थिंक आई डोंट नो क्या है पर थोड़ा ऑयली है ये, यू कैन सी। अब मैं अपना हैंड इससे अब आपको वाइप कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऑयली है, थोड़ा सा इसमें और एकदम ऑयल नहीं कह सकते, मतलब ये ऑयल भी नहीं कह सकते और एकदम लिक्विड भी नहीं है, मतलब एक पतला सा एकदम ऑयली जैसा कुछ कंसिस्टेंसी में है। आई थिंक जो यूज करते हैं उन्होंने पता है क्या है। और ये रैप कागज नहीं है कि ये मतलब गीला होने पर फट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो कितने अच्छे से आपकी स्किन को वाइप करता है। अब आप देख सकते हो मेरी स्किन पर कहीं भी चिपचिपाहट नहीं है। तो मैं दोनों हैंड को इसी से वाइप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना हैंड दिखाती हूँ कि इसने अच्छे से मेरे हेयर को रिमूव किया है। मेरा हैंड देखो अभी इन्होंने, मैंने जो इन्होंने वाइप प्रोवाइड किया उसी से वाइप किया, तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा साइन भी आपको मेरे हैंड पे दिख रहा होगा। पर आप देख सकते हो क्लियरली आपको थोड़ा सा भी कहीं भी हेयर दिख रहा है, क्लियरली आप देख लो पूरे मेरे हैंड पे कहीं भी आपको हेयर ग्रोथ दिख रही है, मतलब छोटे से भी। तो इन्होंने जो क्लेम किया कि छोटे से हेयर को रिमूव करता है, ये बिल्कुल सच है। ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। और इन्होंने जो वाइप दिया वो भी बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन ऐसा भी नहीं होता कहीं वैक्स कराने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ड्राई फील करती है, पर ये मैंने नॉर्मल स्किन वाला लिया था, इसमें सिया बटर है तो आपकी स्किन ड्राई भी फील नहीं करती। और इन्होंने जो वाइप दिया वो भी आपकी स्किन को अच्छा खासा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन, और इससे थोड़ा सा हल्का सा साइन भी आ गया जो इन्होंने वाइप दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो अपने हैंड को जैसे आप वॉश करते हो ठंडे पानी से या किसी जेल सॉवर जेल का इस्तेमाल करके आप अपने हैंड को वॉश कर सकते हो। आई होप मैंने ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप के बारे में आपको छोटा सा रिव्यू दिया है, इसका डेमो दिखाया है, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और अगर आप आगे से इस वैक्सिंग स्ट्रिप को यूज करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को करना लाइक, दूसरों के साथ शेयर, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे कुछ नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।